एमटीवी देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम, मसीह की आप सबके साथ सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन यूसुफ और ये हमारा दूसरा एपिसोड है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है तौबा, फिर गुनाह न करना। जैसा कि आप सब जानते हैं, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हम आज पढ़ेंगे और खुदा के कलाम के वसीला से हम सीखेंगे कि हमें अपने गुनाहों से तौबा कैसे करनी चाहिए। हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। रोमियो 3:23 उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं, खुदा यीशु मसीह ने जब दुनिया में देखा कि बहुत गुनाह बढ़ गया है तो खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया और खुदा ने सोचा कि अपने बेटे के वसीला से इस जहान को निजात दिलाए, क्योंकि खुदा ने हमसे बहुत मोहब्बत की। और जब खुदा ने देखा कि मेरे लोगों में गुनाह बहुत बढ़ गया है तो खुदा को इससे दुख हुआ, रंज हुआ और खुदा ने फिर ये मंसूबा बनाया कि किस तरह से वो इस दुनिया को निजात दिलाएगा। और ये खुदावन की खास ब्लेसिंग है, क्योंकि खुदा के जलाल से हम तब महरूम होते हैं जब हमारी जिंदगियों में गुनाह भर जाता है और जब हमारी जिंदगियां अंधेरे में चले जाती हैं, शैतान के मंसूबों पर चलती हैं, तो हमारी जिंदगियों में जो गुनाह होता है वो बढ़ जाता है और हम खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं और हमारी जिंदगियों में से बरकतें रुक जाती हैं। खुदावंद हमारी जिंदगी में जो काम करता है वो रुक जाते हैं और हमारी जिंदगियां दुख परेशानी में आती हैं, क्योंकि खुदा जब हमारे साथ होगा तो हमारी जिंदगियों में आसानी होगी और हमारी जिंदगियों में खुदावंद की खास ब्लेसिंग होगी। इसी तरह जब हम खुदा मैं तुम्हें क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि हम जब रूह में दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। जब हमारी जिंदगी में अगर गुनाह होंगे तो हम बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं, परेशानियां फिर आती हैं, फिर दुख आते, तकलीफें आती हैं, लेकिन खुदा जो है वो तो अपने बंदों को अपने उन पर इतनी मोहब्बत निछावर करता है कि अपने इलाही खजाने से उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। और जब हम खुदा के ताबे होंगे तो खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में जो भी हैं गुनाह वो उनको माफ करेगा अगर हम खुदा से तौबा करेंगे, क्योंकि खुदा ने अपने शागिर्दों को भी कहा है कि जाओ अंजील की मुनादी करो और अपने लोगों को बाप, बेटे और रूह-ए-कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब हम बपतिस्मा लेंगे, खुदा के हजूर झुकेंगे, अपने गुनाहों का से तौबा करेंगे, गुनाहों का इकरार करेंगे, तो खुदा जो है हमारे गुनाहों को माफ करेगा और फिर खुदा इनाम में हमें अपना पाक रूह देगा जो हमेशा हमारी हमें गाइड करता है, अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाता है। क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह ने भी कहा कि देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो रूह और सच्चाई से हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा और वो हमें हमेशा हमारी मदद करेगा। और जो वो पाक रूह कुदस है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें हर मुश्किल परेशानी से बचा के रखता है। ये खुदा की खास ब्लेसिंग है कि खुदा के हम वो चुनिंदा लोग हैं, वो खुदा की हम लाडली कौम हैं जो खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। बेशक फरिश्ते भी आसमान पर उसकी हमदोसना करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, लेकिन खुदा को पसंद आता है जब इंसान खुदा के हजूर झुकता है। इसी तरह पहला क्रंथियों उसका 6:20 उसकी 20 आयत में भी लिखा हुआ है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं, खुदावन के कलाम में भी लिखा हुआ है के तौबा करो ताकि आसमान की बादशाही के वारिस बन सको। तो हमें चाहिए कि तौबा जब हमारी जिंदगियों में होगी, हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और फिर गुनाह ना करेंगे तो हमारी जिंदगियां खुदा के जलाल में बढ़ेंगी, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शबी पर बनाया है और खुदा ने ये चाहा है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो हमें खुदा के उन परस्तारों में शामिल होना है और हमेशा खुदा के ताबे रहना है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में जब गुनाह होगा तो खुदा से हमारा रابطہ खत्म हो जाएगा। और जब हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे, खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर करेंगे तो हमारी जिंदगियों में गुनाह जो है वो बार बार आएगा और इब्लीस अपने हर तरह के मंसूबे हम पर आजमाएगा और खुदा हमसे दूर होगा और हमारी जिंदगियों में तंगियां आएंगी, परेशानियां आएंगी। इसी तरह खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, रोमियो 4:7 उसकी 7 आयत में भी लिखा है, मुबारक है जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। जैसा कि खुद आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब दी गई तो उसके जो साथ डाकू था, जिसको सलीब दी गई थी, वो बहुत गुनहगार था।
लेकिन उसने कहा कि खुदा से उसने माफ़ी मांगी, तौबा की उसने अपने गुनाहों से, तो यीशु मसीह ने उसे कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा और उसके सारे गुनाह माफ़ किए गए। जब हम देखते हैं दुनिया में रहते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदा एक है और खुदा अपने अच्छे और बुरे लोगों पर एक जैसा असर रखता है, जैसा कि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, गलतियों 5:5 उसकी 16:1 में लिखा हुआ है कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जैसा कि जब हम दुनियावी ख्वाहिशों में, जिस्म की ख्वाहिशात में जाते हैं तो तब हम गुनाह करते हैं। हमें चाहिए कि खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, क्योंकि जब खुदा ने हमें बनाया है तो हमारी ज़िंदगी का हर एक मंसूबा खुदा के हाथ में है। और जब हम इंसान होते हुए इंसानी ख्वाहिशात में उलझ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में गुनाह आता है और गुनाह बढ़ता है और गुनाह की शिद्दत इस कदर बढ़ जाती है कि हम खुदा को भूल जाते हैं, खुदा से दुआ नहीं करते, खुदा के मौजज़े याद नहीं करते और खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते और खुदा से दूर रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में गुनाह बढ़ता है और इस तरह खुदा की और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा होती है। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा जो है वो इस हद तक चाहता है कि वो तुम अपनी फिक्रें मुझ पर ला दो ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और खुदा इस हाल में चाहता है कि हम अपनी तमाम फिक्रें, अपनी तमाम परेशानियां जब हम खुदा में होंगे तो हम खुदा पर ईमान रखेंगे और फिर खुदा हमारी उन मसले मसाइल को हल करेगा और फिर हमारी ज़िंदगियों से हर तरह की परेशानियां, हर तरह का गुनाह दूर होगा। खुदा के कलाम में जिस तरह वो हम देखते हैं, खुदा के कलाम में बहुत से ऐसे मसाले हैं जो खुदा के जो फरिश्ते थे वो हमेशा, दुनियावी पेरेंट्स होते हुए जब हमारे बच्चे कोई गलती करते हैं तो हम उनको माफ़ करते हैं, तो हमारा आसमानी बाप भी हमारे इसी चीज़ में इंतज़ार में रहता है कि जब हम गुनाह करते हैं तो वो ये चाहता है कि हम तौबा की इंतहा तक आएँ। तो खुदा भी हमें माफ़ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है और वो हमेशा हमें माफ़ करता है। खुदावन के कलाम में जिस तरह हम देखते हैं कि जब ज़मीन पर नाराज़गी फैलती है यानी हर तरह का गुनाह बढ़ता है तो वो जो हमारी दुनियावी ज़मीन है वो गुनाह आलूदा हो जाती है और वहाँ पर गुनाह की मजदूरी मौत है। और उस मुल्क में काल पड़ता है, बारिशें होती हैं, तूफान आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, लेकिन जब हम खुदा में रहेंगे, खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह खुदावन के कलाम में भी लिखा हुआ है, पदाइश 2:5 उसकी 15 में लिखा है, और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। आमीन। खुदावन के जब हम इंतज़ाम को देखते हैं, जैसे कि उसने ज़मीन आसमान को बनाया और उसने सोचा कि इंसान को भी बनाया 6 दिन, और जब उसने सोचा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं तो उसने हवा को उसके साथ बनाया ताकि वो नर और नारी कहलाए। तो जब खुदा ने देखा कि उस खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि इस दरख्त का फल मत खाना, लेकिन उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और उस फल को खाया जिसको खुदा ने मना किया था। उन्होंने जब शैतान ने उनको वरगलाया और उन शैतान ने कहा कि तुम्हें नेको बद में तमीज़ आ जाएगी जब तुम ये फल खाओगे, तो उस शैतान ने जब अपना उन पर हर तरह की उनकी बातों में वो आ गए और उन्होंने गुनाह किया और गुनाह इस तरह दुनिया में आया। और जब उन्होंने फल खाया तो फौरन उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं और वो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि ये बेशक शैतान ठीक कह रहा था कि जब हम ये फल खाएंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और खुदा ने उनको बागे अदन से निकाल दिया। जैसा कि खुदा की इस आयत मुबारका में हम देखते हैं कि ज़मीन पर इंसान की जब बहुत बड़ी बदी बढ़ गई, यानी जब खुदा ने देखा कि यहाँ पर हवा और आदम ने गुनाह किया और उन्होंने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने उनसे नाराज़ हुआ, खुदा को इस चीज़ का दुख हुआ। उसने अपने दिल में ये सोचा कि मैंने इंसान को बनाने से उसको बुरा लगा कि मैंने इंसान को बनाया और उसने इस तरह गुनाह किया और इस तरह गुनाह दुनिया में आया और गुनाह ने जन्म लिया और इसी तरह आज गुनाह चलता आ रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह को इस दुनिया में कफारे के लिए भेजा गया तो हमने निजात पाई, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि खुदा का जो बेटा है वो हमेशा हमारे लिए
एक अब हम अपनी जिंदगी में जब सोचते हैं कि हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, जब हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारेंगे तो उस चीज को सोचना चाहिए कि खुदा ने अपने इकलौते को बेटे को बख्श दिया। क्योंकि हम देखते हैं एज अ पेरेंट्स, हम अपने बच्चों पर कभी इस तरह का जुल्म होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को इस अजियत में देखा, इस दुख में देखा, इस तकलीफ में देखा, तो ये खुदा की खास ब्लेसिंग है हम पर, खुदा का प्यार है हमारी जिंदगियों में। और हमें चाहिए कि खुदा के अच्छे बच्चे होने की हमेशा हम गवाही दें, उसके मौजूदों की गवाही दें, और खुदा के हुक्मों के मुताबिक अगर हमारी जिंदगियों में कोई बुराइयां हैं, कोई परेशानियां हैं, तो हमें अपने दिल को साफ करना चाहिए, अपने कलाम को अपने दिल में जगह देनी चाहिए और कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और गुनाह से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है।